हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप स्टाइस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संडे एनालिसिस न्यूज़ को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर कर लिया गया है इसमें और नीचे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टीट्यूट की है जो भी लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और अगर वो डेली में हैं तो इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर मुखर्जी नगर में आकर के जानकारी ले सकते हैं और इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं अगर आप दिल्ली में नहीं हो या आपको फ़ोन पर बात करनी है तो आप नंबर्स पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जानकारी ले सकते हैं यू से जुड़ी हुई या कोचिंग से जुड़ी हुई तो आज का जो पहला न्यूज़ है आप लोगों ने देखा हुआ कवर पेज पर ही है पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो मैं न्यूज़ देख रही हूँ वो सही है या मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत समझ रही हूँ बट एक्चुअली यू ब्रिटेन फ्रांस ने एक मिसाइल्स को अभी इसे अटैक किया है सीरिया पर तो एक बहुत तो बड़ी न्यूज़ है और ऐसा भी कहा गया है कि अगर ऐसा वहाँ पे जो सीरिया में अभी चीज़ें हो रही हैं जैसे आपको पता है कि अभी केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा तो इनका ये कहना इन कंट्रीज़ का ये कहना है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो वो हज़ार से ज़्यादा मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत भयानक सिचुएशन है इस वक्त सीरिया की हालांकि बहुत सालों से चलती आ रही है और अभी लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है बट फिर से सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती चली गई हैं तो इसमें आपको एक बार लोकेशन ज़रूर ध्यान में रखना है चूँकि सीरिया लगातार खबरों में बना रहता है और अभी फिर से काफ़ी न्यूज़ में है देखिए ये सारे लोकेशंस हैं सबको अभी पढ़ना और उसको याद करना तो मुश्किल है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो देख लीजिए जैसे कि डेमास्कस अगर एग्जाम में आ जाता है कि डेमास्कस वॉज इन न्यूज़ कहाँ पर सिचुएटेड है तो आप याद रखिए कि सीरिया में सिचुएटेड है राका राका का नाम तो आप सुनते ही हैं ये भी सीरिया में सिचुएटेड है एलेपो इसके बाद इडलि और अल साफिरा ये सारा आपको नाम और लोकेशन याद रखना है हामा होम्स ये सब सीरिया में ही लोकेटेड है ठीक है इसके बाद आपको याद रखना है कि सीरिया कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है ठीक है एक बात और याद रखें कि सीरिया अ, का जो एक लोकेशन है वो मेडिटेरेनियन सी में भी है मतलब मेडिटेरेनियन सी को सीरिया टच करता है आपको ये भी याद रखना है इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये भी इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखेंगे तो कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपको प्रिलम्स के एस्पेक्ट से याद रखना है इसके एस्ट्रोनॉमिकल जू के बारे में अपने न्यूज़पेपर में देखा होगा देखिए इट इज नथिंग बट एक डिस्क uh, टाइप का स्टार का पूरा डिस्क uh, है डस्टी डिस्क है जिसको कि ढूंढा गया है स्फेयर इंस्ट्रूमेंट है ईएसओ का एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जो कि चाइल्ड में है और ईएसओ स्टैंड्स फॉर यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी तो वहाँ पर ये स्फेयर इंस्ट्रूमेंट है इसी से ये टेलीस्कोप से देखा गया कि एक डस्टी देखा गया कि स्टार के सराउंडिंग्स में इसके चारों तरफ एक डस्टी डिस्क है और ऐसा माना गया कि शायद इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्लानेट के फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं तो इसमें हालांकि ऐसे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी है ये क्या है तो या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ज़ू न्यूज़ में था ये क्या है तो यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ऑब्जर्वेटरी uh, है जो कि साउदर्न हेमिसफेयर में है ठीक है वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का ये पता लगाते हैं रिसर्च करते हैं तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा इसमें 16 देश शामिल हैं सिक्सटीन नेशंस हैं जिनका एक इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है इसीलिए पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन का है ठीक है इसको नाइनटीन में बनाया गया था ईएसओ को याद रखना है कहाँ पर है ये साउदर्न हेमस्फेयर में है और चिली में बेस्ड है वहाँ से इसको अभी देखा गया स्फेयर इंस्ट्रूमेंट से देखा गया कि एस्ट्रोनॉमिकल ज़ू को डिटेक्ट किया गया है इसको ध्यान में रखेगा और इस तरीके से ये दिखता है फाइन नेक्स्ट है एक इमेज आई है न्यूज़पेपर में अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक फेस्टिवल है आप लोगों ने पढ़ा होगा रोंगाली बिहू रोंगाली बिहू असम में मनाया जाता है और क्वेश्चन आता भी है में कि बिहू कहाँ का फेस्टिवल है तो रोंगाली बिहू जो है ये स्प्रिंग का जब अराइवल होता है तब इसको मनाया जाता है आसाम में याद रखिएगा ये एक आसाम का फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए और इसमें भी डांस वांस सेलिब्रेट किया जा रहा है परफॉर्म किया जा रहा है तो बस आपको याद रखना है कि रोंगाली बिहू जो है वो आसाम का फेस्टिवल है जो कि अराइवल ऑफ स्प्रिंग पे सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है एज अ न्यू ईयर आसामीज न्यू ईयर ठीक है और अब नेक्स्ट न्यूज़ है सोलर लैंप असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पी का न्यूज़ है इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि इसमें कहा गया है कि जैसे टू ट्वेंटी पावर सप्लाई देना है ऐसा गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है लोगों से और इसमें सौभाग्य स्कीम को लाया गया है ताकि सभी को कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी कर सके आप लोग जानते हैं सौभाग्य स्कीम क्या है इसमें जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक सेंसस से लाए गए हैं 2011 वाला डाटा इसमें यूज़ किया गया है और उन सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा उसी से जुड़ा हुआ ये एक प्रोग्राम है सोलर लैम्प असेंबली और इसमें क्या होता है जितने भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन्स हैं जो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है ना ही कनेक्शन पहुँचा है ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं ऐसे सोलर लैम्प्स वगैरह को तो उनको सोलर लैम्प दिया जा रहा है ठीक है ताकि वो प्रोग्रेस कर पाएँ और मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएँ सोसाइटी के इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहला तो ये कि लोकल वुमेन का हेल्प लिया गया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं वहाँ पे महिलाएं जो काम करती हैं लोकल लेवल पर उनको इस असेंबली में शामिल किया गया है और वो जाके कलेक्ट करेंगी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सोलर लैंप्स को और फिर ये गांव में जो ऐसे बच्चे होंगे जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं अंडर प्रिवेलेज स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये लैम्प डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान में रखिए आपको इसका अगर ऑब्जेक्टिव याद रखना हो तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला तो किरोसिन फ्री हो जाएगा सारा सिस्टम अगर सोलर लैम्प प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो किरोसिन की आवश्यकता नहीं होगी और फिर बच्चे जो है वो सोलर लैम्प में स्टडी कर पाएंगे दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है इसका इसमें जो रूरल वुमेन है इनको भी इम्पावर किया गया है कई बार ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको सब्जेक्टिवली क्वेश्चन लिखा जाएगा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा रूरल वुमेन का तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं तो वो सही स्टेटमेंट होगा इसमें रूरल वुमेन को एम्पार किया जा रहा है उनको स्किल्स दी जाएंगी और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगीम्प्स को रिपेयर करने के लिए जाएंगी तो वहाँ पे फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो इसमें याद रखना है कि रूरल वुमेन को भी हेल्प किया गया है और तीसरे आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर ये स्कीम है कि वो सेवेंटी लाख सोलर स्टडी लैम्प्स को डिस्ट्रीब्यूट करे उन पांच राज्यों में जहां पर की इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं उपलब्ध है ठीक है तो पांच राज्यों में गवर्नमेंट का स्कीम है इसको भी ध्यान में रखना है कि सेवेंटी लैक्स सोलर लैंप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसी का ये एक पार्ट है तो ये याद रखेंगे सोलर लैंप असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है क्या और अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए प्रबल दोस्त है कि इज मिलिट्री एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है और अब कल के क्वेश्चन का आंसर कल का क्वेश्चन था ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी तो पहला स्टेटमेंट था कि इसको लॉन्च डब्ल्यू करते हैं और दूसरा स्टेटमेंट था कि इसका हेडक्वाटर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बट पहला स्टेटमेंट गलत है जो साइबर सिक्योरिटी है ये लॉन्च करती है डब्ल्यू आपको याद होगा डब्ल्यू के बहुत सारे और भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो आते हैं डब्ल्यू ई ने यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी को ग्लो इसको ग्लोबल लेवल पे जो साइबर स्पेस है उसको सिक्योर करने के लिए इसको लाया गया है और तो अब ट्रू तो फर्स्ट एंड की तरफ चलते हैं इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है नेशनल हाईवे थर्टी सेवन विच पासेज अलॉन्ग द काजीरंगा नेशनल पार्क याद करने की कोशिश कीजिए क्या स्टेटमेंट सही है नेशनल हाईवे थर्टी सेवन वहाँ से गुजरता है क्या दूसरा स्टेटमेंट है महारी बहुत इंपॉर्टेंट है महारी इज अ डांस फॉर्म दैट इज परफॉर्मड एज अ स्पेशल सर्विस टू लॉर्ड जगन्नाथ नोडिसा वाइद्यदासी आपको याद करना है महारी क्या एक डांस फॉर्म है जो कि देवदासी के द्वारा उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसको आपको बताना है सही है गलत है तीसरा स्टेटमेंट है फूड प्रोसेसिंग सेंटर पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिजोरम में लॉन्च किया गया है और इसमें कोलाब्रेशन किया गया है इसराइल गवर्नमेंट के साथ तो क्या ये स्टेटमेंट भी सही है इसको याद करने की कोशिश कीजिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो एन एच थर्टी सेवन है वो काजरंगा नेशनल पार्क से गुजरता है दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है महारी एक डांस फॉर्म है और ये देवदासी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ओडिशा में ठीक है तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है आपको याद रखना है क्योंकि इसमें इसराइली कॉल इसमें इसराइल का कोलाब्रेशन किया गया वहाँ से हेल्प ली गई है तो इसको ध्यान में रखिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बिंग विद मे वॉचिंग डिस्कशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पसंद आता है तो लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी करें इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और कोई भी इन्फॉर्म तो ऐसे स्टूडेंट जो लोग कि दिल्ली नहीं आ सकते हैं जो अपने घर से ही तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं वो हमें फ़ोन करें फ़ोन पे पता करें कि ऐसी क्या सुविधा है जो उनको हेल्प पहुंचा सकती है हालांकि इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन आपको डेली दिया जाता है टिटोरियल के डिस्कशन में तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं इसमें कि फ़ोन करना है बात करनी है पता करना है कि ये क्या है तो वो ज़्यादा देर ना करें अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हेल्प चाहिए तो वो फ़ोन पर पता कर सकते हैं और अगर वो दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली आने वाले हैं तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिस्कशन एंड हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट स्टेप अपॉट कॉम वहाँ पर एक नया फोल्डर तैयार किया गया है पी एस एस करंट अफेयर्स के नाम पर जिसमें आपको पी डी एफ्स मिल जाएंगे इन वीडियोज़ के तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच